₹5 का डालना, ₹5 का क्यों तो भाई इस टाइम जो खड़ा हूँ मैं, पता नैनीताल के जंगलों में खड़ा हूँ, चेक करो भाई। मैं हूँ इस टाइम पे जिम कार्बेट पार्क में, जो पड़ता है रामनगर में। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े जानवर हैं। ओ भाई देख लो भाई, आराम से जाना पड़ेगा, यहाँ ना स्लिप हो जाएगी। ओ माय गॉड, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसा आई, आप सब बड़े होंगे भाई, सब बड़े भी होने चाहिए। जैसे कि भाई चलते आज भी नए ब्लॉग की तरफ। भाई नए ब्लॉग की तरफ क्या चलना, ब्लॉग तो हम बनाने आ भी गए। तो लोकेशन दिखाते भाई आपको, बहुत धांसू लोकेशन है। तो भाई इस टाइम जो खड़ा हूँ मैं, पता नैनीताल के जंगलों में खड़ा हूँ, चेक करो भाई। मैं हूँ इस टाइम पर जिम कार्बेट पार्क में, जो पड़ता है रामनगर में। दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर बहुत तगड़े तगड़े जानवर हैं। दिखाता हूँ भाई आपको, जानवर दिखाता हूँ। आज जिम कार्बेट पार्क में रामनगर आ गया हूँ मैं। ये चेक करो भाई, यहाँ पर ये देखो जानवर, ये चेक करो भाई, मंकीज कितने सारे हैं यार। देख रहे हो वो क्या कर रहे हैं। अरे ये एक जानवर ही दिया, एक जानवर ही दिया, तगड़ा जानवर है ये ज्यादा उनसे तगड़ा जानवर ये है। तो भाई जी देख लो अपनी, हमारी लापरवाही का नतीजा, और जैद लगा रहा है धक्का, और नतीजा ये है भाई, 15-15 दिन भाई की खड़ी रहेंगी ना तो ऐसी होगा भाई। इसकी बैटरी में पावर नहीं आ रही और स्टार्ट नहीं हो रही। देखो तो भाई धक्का लगाना पड़ गया पीछे, देखो परछाई में एक बंदा धक्का लगा रहा है यहाँ पे। मैं कैसा लगा, बहुत भारी है थक्के भाई, थक्के ना, ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है। 15-15 दिन बाद, 20 दिन बाद जाओगे तो बाइक का भाई इसका यही हाल होगा भाई। देख रहे हो आज बस ज्यादा रे, मत करे, स्पीड वाला है ना ये, स्पीड वाला डाल दो, ₹5। कौन है ये लोग, ₹5 का बोला मैंने, कितना डाल रही हो, 5 लीटर नहीं, ₹5। हाँ हो जाएगा, ये कोड वर्ड समझ रही है, ₹500 ₹5 का डालना, ₹5 क्यों, चलो डाल दो, 00 लगा दो इसके आगे। तो तुम ही हो रही है कंफ्यूज, मैंने तो ₹5 बोला, 5 कैसे में डाल दियो, 5 का डालना उसमें भी। तो गाइस फाइनली तुम्हारे भाई ने पकड़ लिया हाईवे, और यहाँ से निकलते हैं बस एक जल्दी से छोटी सी प्यारी सी राइड तुम्हारे लिए, बहुत बढ़िया वाली। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं अपने यहाँ पर, कहाँ पर पता नहीं, यहाँ होने वाली है कटिंग। और भाई मेरे भाई ने पड़ चुकी है एक मक्खी, जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रही है, और मैं इसे भगाने वाला हूँ, शादी कर दो, मुझे परेशान कर देगी। अच्छे अच्छे ब्लॉग लाने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा, तुम्हें पता है रमजान का महीना चल रहा है भाई, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 3 या 4 रोज रह चुके हैं भाई, 3-4 रोज चले जाएंगे, उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। भाई रोड देखो क्या सेक्सी लग रही है यार, आपको लीन दिखा पाते हैं क्योंकि रोड इतनी चल रखी है, कहां से लीन होगा यार, बाइक लीन ही नहीं हो पाएगी। करो यार।
भाई अक्सर देख रहे हो यार, और वो तो स्टेरिंग थोड़ा हार्ड है, मजबूत है जो, और भाई ये दोनों भाई तुम भाई कब की भी बिगड़ जाए भाई। चल रहा है यार, देख रहे हो संडे के दिन यार, संडे में ना यार पब्लिक तो जितने भी टूरिस्ट होते हैं ना सब मॉर्निंग से ही निकलने शुरू हो जाते भाई, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी है, अब गर्मी हो जाएंगी तो भाई गर्मी में निकलना भारी पड़ जाता है, तो भाई जितने भी सैटरडे जाने वाले बंदे होते हैं ना वो रिटर्न संडे में ही मॉर्निंग में निकल जाते हैं भाई वापस। भाई गदरौले की खासियत तो है भाई, ये चेक करो यार क्या ही माहौल है यार, खतरनाक है भाई हकीकत में भाई, तगड़ा ही माहौल है भाई, देख रहा हूँ एक्सीडेंट है हजरत, देख रहे हैं भाई बाइक को, देख रहे हो रिएक्शन आ रहे हैं गाड़ी के अंदर से भाई, यहाँ ना बड़ा सुकून मिलता है भाई हकीकत में, देख रहे हो भाई ये ब्रज घाट है, यहाँ पे नहर मतलब जो भी है पानी है, पानी पानी, देख रहे हो बोट भी है उधर सारे, मतलब कसियो बोट है भाई, नैनीताल के जाओ यहाँ आ जाओ 50 रुपये में घूमो और आराम से मजे लेके घर जाओ। गवर्नमेंट ने किसी के हैंडओवर नहीं करा है अभी। अच्छी वैसे चालू है पार्क, ये अभी चालू नहीं करा है, कब होगा ये? 2 साल हो गए बने हुए। अच्छा जी, अभी तो ओपनिंग ना इसकी ना आवाज तक नहीं हुई है। अबे यार ओपनिंग हो जाते हमें तो भीड़ रहता पूरे दिन भर। अच्छा जी, मतलब यहाँ पे है पब्लिक ज्यादा? हो यहाँ पे तो पब्लिक बहुत दूर दूर तक के आने शुरू हो गए, पर लेकिन जब अभी काम ही स्टार्ट नहीं हुआ। अच्छा अभी ओपनिंग ना हो इसकी, कब तक होगी लगभग? अब भैया गवर्नमेंट के हाथ में है, ये गवर्नमेंट का पार्क है। सही बात है, ये कोई प्राइवेट पार्क तो है नहीं अभी। स्टैंड ना कर दे भैया, बंद कर दिए स्टैंड करना। साइकिल वाला कौन भाई को भाई, देखो साइकिल छीन लेने बच्चों की, और यहाँ पे देखो बेचारे बच्चे साइकिल खड़े देख रहे हैं। अब दे दे भाई, वीली मारा कच्चे रोड पे, देख रहो इसका फिल्म का भाई, इससे तो बाइक ने स्लिप हो रही इसकी, देखो भाई इससे निकलना रही, देखो ओ माय गॉड, वहाँ चेक करो देखो नवे भाई, ओ भाई देख रो भाई आराम से जाना पड़ेगा, यहाँ ना स्लिप हो जाएगी, ओ माय गॉड भाई देख रो कितना खराब रास्ता भाई, मजा आ रहा है मगर ऐसे ना भागते थे बंदे थे कैसे भागे। रास्ता ही खराब भाई, बहुत डेंजर भाई, बहुत डेंजर रास्ता भाई यहाँ पे। 18-19 साल का हो चुका हूँ भाई, मैंने अभी तक गजरौले में बंद नहीं देखा, और भाई चेक करो यहाँ पे देख रहो भाई, भाई के तो यहाँ पे ऐसे लोधा रखी हमने जैसे स्प्लेंडर से या स्कूटी से आए हम एंटोर्क वगैरह से, मगर भाई जगह है कुछ प्यारी, बहुत प्यारी जगह है यार हकीकत में भाई, वन है वन यहाँ पे पूरा भाई। यहाँ पे देखो बंदर अंदर सब ऐसे बैठे हैं भाई, कुछ नहीं गिरे बिल्कुल भी भाई, देख रहे हो कितने सारे मतलब मंकी है, देख रहे हो बहुत सारे मंकी हैं यार, आवाज़ को देख के कहीं बिगड़ ना जाए अभी तक ना जाए भाई, तो इसलिए दबा के चलेंगे बिल्कुल आराम से आवाज़, कोई छेड़छाड़ नहीं कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं गिरना। ओह माय गॉड आई एम सो हैप्पी ब्रो, भाई क्या बोलते हैं यहाँ पे वही वाली याद आ गया सीन के एक दिन सब कुछ छोड़ के चला जाऊँगा और किसी नए नाम से नई ज़िंदगी शुरू करना है भाई, वही हाल है भाई यहाँ का, देखो यार वाकई में यार। ओ भाई भाई एक चीज़ दिखाऊँ तुम्हें मैं, कितनी प्यारी चीज़ भाई, देखो चेक करो भाई पानी आ गया यहाँ पे, ओ माय गॉड, हम वहाँ थे ब्रज घाट पर, देखो भाई यहाँ आ गए हम, ओ माय गॉड गाइस ये चेक करो गाइस, क्या गाइस क्या लोकेशन है, देख रहे हो भाई भाई सैड है भाई सीन भाई, यहाँ देखो वन में खड़े हम, और वन में अपनी ग्रूट बैनली और भाई अपनी बीस्ट देखो यार, हेल बॉय भाई देख रहे हो यार, मजा आ गया हकीकत में,
जैद कैसा फील कर रहा है यहाँ पे आके तू? मजा आ रही है, इसी वजह से तो आया भाई। मैं भी हेलमेट उतार दिया यार, एक बार खुल के सांस लेने चाहता हूँ मैं भी। तो भाई दिखाता हूँ आपको लोकेशन, एक नंबर की लोकेशन है भाई। अब देखते हैं यार, अभी तो इतने यहाँ का जानते नहीं है, तो हो सके अगली बार आए और ज्यादा आपको बताएं पूरा एक्सप्लेन करके, क्योंकि भाई ये जो जंगल है ना भाई, बहुत बड़ा वन इसे बोलते हैं, वन ये ना एक मिस्ट्री है भाई, ये पूरी मिस्ट्री है, इसे भाई को जानता ना भाई, शायद ही कोई जानता होगा गजरौला में, हमें भी साथ में काफी टाइम हो गया। जो लोग यहां के ना वो उधर से उधर रहते हैं बलदरा। हां उधर ही रहते हैं। अभी पहले भाई लोकेशन चेक करो आप सामने, ये देखो बाजी भाई, मैं आपको ये सामने ब्रिज देख रहा हूं। ओ भाई ये चेक करो पेड़ कैसा लटक रहा भाई इधर गंगा में। अरे भाई इधर देखो देखो जानवर चेक करो सामने कितने सारे भाई। यहाँ की एक चीज देखो सबसे खास, देखो बंदर हमारे पास पास में कुछ नहीं कह रहा यार, अगर होते ना गजरौला में चिपट जाते भाई, देख रहो कैसा आगे बैठ गया पास में बेचारा भाई। यहाँ पर अपनी बाइक चेक करो, लाइनअप कितना खतरनाक लग रहा है, चेक करो यहाँ पर शूट चल रहा बहुत तगड़ा। और भाई नवेद देखो पोज दे रहा बाइक पे बैठा हुआ, और उधर से शूट कर रहा। और भाई आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं, एक लोकेशन तो भाई एक नंबर है, पता ना जाने को मन नहीं कर रहा, बस लेट हो रहा है भाई, जल्दी निकलना पड़ेगा। और जैसे कि भाई हम शॉर्ट बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो भाई रील्स देखने के लिए भाई इंस्टा पर भी फॉलो कर लो, इंस्टा पर भी जेड एनएस ब्लॉग के नाम से जाके जल्दी से फॉलो करो, और तब भाई मचा दो जल्दी तगड़ी तगड़ी रील लिखाएंगे वहाँ पर भाई। लाइफ में ना रिस्क लेना चाहिए भाई, रिस्क नहीं लोगे तो यार आगे कैसे बढ़ोगे यार, या दुनियादारी का पता कैसे चलेगा भाई, पता कैसे चलेगा भाई दुनियादारी का भाई, तभी पता चलता है भाई जब लाइफ में रिस्क लोगे तुम। शुक्रिया भाइयों का जो दिल से सपोर्ट करते हैं भाई, जो हर वीडियो वॉच करते हैं, हर वीडियो वॉच करने के बाद सब्सक्राइब कमेंट भी करते हैं भाई प्यारी सी भाई, मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ भाई, रिप्लाई नहीं दे पाता क्योंकि भाई तो बताइए लिमिट लग जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है यूट्यूब के द्वारा। तो बाकी भाई सभी भाइयों का दिल से शुक्रिया भाई जो देखते हैं भाई, मुझे सबका पता है कौन कौन देखता है कौन नहीं भाई, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर अपने ऐसे हैं जो भाई बहुत ज़्यादा मतलब दिल से प्यार करते हैं भाई, वेट करते हैं वीडियो आने का, काफ़ी दिन से भाई वीडियो नहीं पा रही, वीडियो लेट हो रही है भाई क्योंकि भाई टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, और तुम्हें पता ही यार ऊपर से रमज़ान का सीन चल रहा है भाई, भाई रमज़ान की वजह से ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला भाई। अभी भी तुम्हारे भाई का रोज़ आया, और रोज़ में यार देखो ब्लॉग शूट कर रहा है यार, कितनी मेहनत करते तुम्हारे लिए यार, तो भाई इसी बात पर यार बस सब्सक्राइब कर दो ना यार। भाई लोकेशन चेक करो यार यहाँ की भाई, इसको वन बोलते हैं, यहाँ पर वन में आए थे भाई हम। बोलूंगा नहीं ज्यादा क्योंकि भाई हाइपर राइड हो रही है भाई, कटिंग चल रही है दबा के, देख रहा हूँ भाई आप वीडियो का आनंद लो भाई मजे से।